अब तो आप पूरे पठान लगते हैं। पर कबायली इतने नहाए धोए नहीं होते। फिक्र मत खवा, बस चार रोज दिन रात यही कपड़े पहने रहिए, बिल्कुल कबायली पठान लगने लगेंगे। वो को रहा गा कॉमरेड भगत राम तलवार दे आवाज खानिया राजा पुरत राजा। ये रूस तक जाने में आपकी मदद करेगा। सूर सलाम सलाम रस रस। सुभाष बाबू, यह है कॉमरेड भगत राम तलवार। बड़ी कुर्बानियां दी इनके खानदान ने। इनके बड़े भाई हरकिशन को तो फांसी हुई थी। मैंने बहुत सुना है शहीद हरकिशन तलवार की बहादुरी के बारे में भगत राम जी, इसीलिए शायद सोचता था कि भगत राम कोई लंबा चौड़ा पठान होगा। इनके खत पे ना जाइए, ये जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के नीचे भी। अब जैसे भी हैं, अब से आपके भांजे रहमत खान और आप है तुम्हारे मामू खान मोहम्मद जियाउद्दीन खान। अपने मामू को सलाम करो। अब आपको जवाब में कहना है पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब शाह। पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब। ना 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 ना, मुंह खुलते राज भी खुल जाएगा। अब दो दिन में तो पश्तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको। अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो कमाल की बात करते। अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड। लेकिन इंसान गूंगा भी तो होता है। अच्छी नजर है वल्लाह। मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई, इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूं। सुभाष बाबू हम यही रुकते हैं, बाहर पुलिस से खतरा है। जी बेहतर है। कॉमरेड आबाद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब पमख देखा आपको आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आजादी नसीब हो, द खुदाई पामान। सुर सलाम सुर सलाम। खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। यदि तोर डाक्षुने के उनाया शे तो बिन एकला चलूरे, यदि तोर डाक्षुने के उनाया शे तो बिन एकला चलूरे। मरे जो होना है वो हो जाए, यदि तोर डाक्षुने के उनाया शे तो बिन एकला चलूरे, यदि तोर डाक्षुने के उनाया शे तो बिन एकला। क्या नाम है तेरा? रहमत खान। रहमत खान कहाँ से आया? नौशेरा से। नौशेरा, और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। और चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। हाँ, खैबर नशीक वाले गूंगा है। हाँ। बेजुबान निकला था क्या माँ के पेट से? ना 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 ना, सब यश्ता हवलदार साहब, पिछले साल पता नहीं कैसा बुखार आया कि आवाज जाती रही, इलाज के लिए अड्डा शरीफ पे लेके जा रहा हूँ। बड़ा बड़ों की बोलती बंद करवाना और गूगो का मुंह खुलवाना खूब आता है। सबब हो क्या? जबान दिखा मामू। आ आ देर सख्त, बड़ा पेचीदा मामला है, जरूर ज़ियारत पर ले जाओ इसे, शायद बाबा की बरकत होगी तो गरीब की जुबान खुल जाएगी। ठीक है ठीक है। ओए, इसे फिटकरी का कुल्ला करवाओ, जुबान नरम पड़ जाएगी। शुक्रिया हवलदार साहब। नहीं जी। आप चाहे तो थोड़ा रुक के दम ले लें सुभाष बाबू। ओ तलवार, कितना सुंदर देश है ये। अरे इन पहाड़ों और पत्थरों में सुंदर क्या दिखा आपको? आजादी, ये देश आजाद है इसलिए खूबसूरत है। एक रुपए का सिक्का है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, लेकिन यहाँ क्या खरीदना है आपको? है? मुझे अंग्रेजों के शहंशाह को जूता मारना है, है? और उनके पिट्ठू वायसराय के मुंह पे थूकना है मुझे। मैं भी जूता मारता हूँ। ये ले, ये
की दर्द तेरे की। इधर क्या होगा सुभाष? तुमने भी नहीं देखा काकू को चाहते हो। तुम्हें तनख्वाह किस काम की नहीं मिलती है? इस गेट पे नजर रखने के लिए एक 6 फुट का आदमी इस गेट से नहीं गया तो क्या हवा में गायब हो गया? गायब? This is ridiculous. Chasing sadhus all over the country, pulling off their beards. And what have you to show for it? Sir, here's a report that says he's gone to Bangkok to become a Buddhist monk. Rubbish. Next you'll be telling me he's gone to Afghanistan to join the fakir of Ipi.